चलो यार आज से मैं बैठूंगा सर। भाई इधर मैं बैठूंगा आज। साले हट रहा है, बनाओ तेरे को हीरो। भाई क्लास में नई लड़की आई और आज मैं उसके पास ही बैठूंगा, पास वाले बेंच पे। साले आराम से हट जा वरना गोली से उड़ा दूंगा। गोली चलाने के लिए बंदूक भी चाहिए। चले चक मैं आ गया, आल चक मैं आ गया। आइए आइए, आज फिर लेट, आज तुम्हारी प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी। मैं मेरे घर पे ना पार्टी थी तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था, बस इसीलिए लेट हो गया। तो तुम क्या तैयारी कर रहे थे? तो मैं ना पार्टी के लिए नए नए गाने डाउनलोड कर रहा था। नहीं मैं पीछे तो लेट कैसे हो गए? तुम गाने डाउनलोड नहीं हो रहे थे तभी तो लेट हो गया। सारे के सारे बदतमीज हैं। अब तक के 6 पार्ट में मुझे इतना परेशान किया तुम लोगों ने, लेकिन अब और नहीं। अब आज इस पार्ट में एक सर आने वाले हैं जो तुम्हें इतना परेशान करेंगे ना, तुम याद रखोगे। नहीं करोगे आप हमारा? लो ये आ गए तुम्हारे नए सर। मेरा नाम है घमंडी लाल, जो मेरी क्लास में शरारत करेगा उसका कर दूंगा पिछवाड़ा लाल। सर इन लोगों ने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ, मैं इनको इतना पढ़ाती हूँ, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में भी। अच्छा अभी देख लेते हैं क्या पढ़ाया आपने। भाई मुच्छड़ खड़ा हो जा, ये बता शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? सर मुझे तो 3 दिन से टट्टी लग रखी है, मैं तो स्कूल ही नहीं आया था। इससे पूछ लो इसने तोड़ा होगा। तुझे तो बाद में देखता हूँ, तू बता। सर ये झूठ बोला, मां कसम मैंने नहीं तोड़ा। सर मैं तो तोड़ फोड़ करता ही नहीं हूँ। ये लड़की थोड़ी समझदार लग रही है। आप बताओ। सर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये धनुष वगैरह में, मुझसे तो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लो, जैसे कि नेल पेंट, काजल, लाइनर, लिपस्टिक वगैरह वगैरह। ये पढ़ाया मैडम आपने इन्हें? क्या सर आप भी कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो इनसे, धनुष ही तो था, तोड़ दिया होगा किसी ने। ये बच्चे तो वैसे भी कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहते हैं रोज। आप संभाल लेना इनको अच्छे से, मैं देखता हूँ। ओह शिट, ओह शिट। लड़को तुमने पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ रखा है, या तो तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे मारूंगा चूम चूम के। सर एक बात बताओ, डंडा चूमोगे या पिछवाड़ा? शैतानी की तो उसको बाथरूम में बंद कर दूंगा, समझे? सर वो लड़की और मैं, हम दोनों बहुत शैतानी करते हैं, हम दोनों को एक साथ बाथरूम में बंद कर दो, मजा आ जाएगा। रामजादे बैठ जा। तुम तो बहुत निकम्मे बच्चे हो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उनके फटाफट उत्तर देना, समझे? अब बेटा आप खड़े हो जाओ। सर मैं? हाँ हाँ बेटा आप। हाँ सर। पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। सर मेंढक। हाँ हाँ साबस 4 और बताओ। सर मेंढक के मम्मी पापा,
और मेंढक के भाई बहन हो गए ना पांच। निकम्मे कहेंगे। बेटा तुम बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। सर आपको नहीं बता सकता, थोड़ा पर्सनल है। बेटा मुझे अपना दोस्त समझो, बता दो क्या बात है। सर पक्का दोस्त समझू? हाँ। अरे यार घमंडी तेरी ना भाभी नाराज हो रही है। oh shit! तुम सारे के सारे निकम्मे हो, तुमको मैं ठीक करूंगा। मान ले तेरी पैंट की इस जेब में भी 1000 रुपए हो और दूसरी जेब में भी 1000 रुपए हो तो तू क्या सोचेगा? सर मैं यही सोचूंगा कि आज मैंने अपनी पापा की पैंट पहन ली है। नालायक कहीं के नीचे बैठ जा, नहीं तो एक डंडे में पैंट गीली कर देगा तू। भाई भाई बहुत सूसू आ रहा है, सर से पूछ ले, डर लग रहा है मुझे तो। भाई सर बहुत हरामी है, पिछवाड़े पे डंडे डंडे मारेगा, मैं नहीं पूछ रहा, तू पूछ ले अपने आप। निकल गया, जल्दी कुछ कर। रुक 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 एक मिनट, पकड़ जल्दी बोतल में कर ले और बोतल साइड में जाके कर ले। तुम आ गए हो। तो पागल है क्या? छी अरे दूर कर, पागल है क्या बात है? क्यों लड़ाई कर रहे हो? इस दो घूंट पानी के पीछे तुम लड़ाई कर रहे हो? अरे पानी तू चुप रहो। नाम है मेरा घमंडी, बीच में बोला तो पिछवाड़े पे पड़ेगी डंडी, समझा? इस पानी को मैं पी के खत्म कर देता हूँ, ना रहेगा पानी ना होगी तुम्हारी लड़ाई। Oh shit! Oh shit! चुप। अबे इतना खारा पानी समुद्र से भर के लाए हो क्या? सर इस बोतल में पानी नहीं था, इसमें इसने सुसु कर दिया था।